इस बीच इसी बड़ी खबर पर अपडेट आपको दे दें, क्योंकि शाम 4:30 बजे नेवी में कमीशन किया जाएगा MH-60R सीहॉक। सीहॉक को नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। नेवी के पास फिलहाल 6 MH-60R सीहॉक हैं और नेवी की युद्धक क्षमता में जिस तरीके से इजाफा होगा उसे देखते हुए सुमित यही बड़ा सवाल होगा। लेकिन उससे पहले इसकी खूबियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है और इसी की खूबियां बताते हुए सुमित मैं चाहूंगी आप मुझे यहां पर ज्वाइन करें, क्योंकि सीहॉक समुंदर का कैसे विजेता साबित होगा ये देखिए इसकी खूबियां। पनडुब्बी की तलाश कर खत्म कर सकता है, सतह रोधी युद्ध में माहिर है, 2 मार्क 4-6 टॉर्पिडो मिसाइल से लेस, 4-8 AGM, 114 हेलफायर मिसाइल से लेस, 4 प्रकार की हेवी मशीन गन लगाई जा सकती है और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा निगरानी के लिए कितना अहम है सुमित? देखिए बिल्कुल इसकी अहमियत या फिर इसका इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझिए सुरभि कि ये भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों पर इसकी डिप्लॉयमेंट रहेगी। खासतौर पर कि अभी सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स आए हैं लेकिन 24 आने हैं 2025 तक, ये सभी के सभी 24 भारतीय नौसेना के पास आ जाएंगे। ये सर्वेलेंस यानी ये पनडुब्बी के मार गिराने से ज्यादा ये सर्वेलेंस कर सकता है, यानी भारत की जो रीच है यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रीच है वो आगे के इलाकों में ही पहुंचेगी। और खास बात ये कि इसको आप ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर से बल्कि फ्रिगेट से आप इसको आपको दूसरे शिप से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी भारत के सभी शिप्स पर अगर इसका डिप्लॉयमेंट होगा तो उनकी कैपेबिलिटीज में इन्हांसमेंट होगा, उसकी कैपेबिलिटीज में आगे इन्हांसमेंट को देखते हुए इसकी इंपॉर्टेंस और इसके फीचर्स के बारे में तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन MH-60R सीहॉक यानी रोमियो हेलीकॉप्टर जब आसमान में होता है तो दुश्मन गलती करने की भूल नहीं करता, इसके बारे में हेलीकॉप्टर की ताकत के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी ताकत की वजह से इसे अजय माना जाता है। और यहां सबसे पहली इंफॉर्मेशन उड़ान के लिहाज से सुमित इंपॉर्टेंट है, जहां 12,000 फीट की ऊंचाई के बारे में बड़ी खबर है, 5 क्रू मेंबर्स, साथ ही अधिकतम टेक ऑफ वजन इसका 10,433 किलो और लंबाई 64.8 फीट, ऊंचाई 17.23 और क्षमता एक बार में 830 किलोमीटर की दूरी तय करना। सुमित देखिए आप मैं आपको एक बड़ा डिफरेंस समझा दूं अगर एक छोटी सी बात से, कि एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर जो फ्लाई करता है या फिर जो नेवल हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि लगातार एक हेलीकॉप्टर को एक लगातार स्पीड से चलते शिप के ऊपर आपको लैंड करना होता है, वहीं से मूवमेंट करनी होती है, और दूसरा आपको समंदर के बहुत करीब जाकर जब सर्वेलेंस करना होता है, जब आपको अटैक करना होता है ऑफेंसिव, तो बहुत तेज हवाओं के अंदर हेलीकॉप्टर का मूवमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और वहां पर कोई ऐसा बेस नहीं होता कि आपको तुरंत लैंड करना है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी नेवल हेलीकॉप्टर के लिए। और आप ये मान के चलिए कि ये पिछले 2005 से 2008 से इंडियन आप कह सकते हैं कि यूएस फोर्सेस के पास इस्तेमाल किया जा रहा था, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो स्वीडन हो कई कंट्रीज ने इसको अपने 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 नेवल बेसिस के अंदर डिप्लॉय किया, अपने नेवल क्षमताओं में इजाफा किया, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा कि भारत की क्षमताओं को खासतौर पर ना सिर्फ सर्वेलेंस के लिए बल्कि सी गार्डियंस के तौर पर आप इसका इस्तेमाल बहुत सुनार सिस्टम समुद्र की स्थिति का ये पता लगा सकता है, विशेष इंजन 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशाफ्ट इंजन और शक्तिशाली सेंसर्स, रडार दुश्मन की गतिविधि का भी आसानी से पता लगा सकते हैं।